सो अगर तुम लोग एक फैन का रिव्यू देखना चाहते हो, यानी कि एक बायस रिव्यू देखना चाहते हो, सो दिस वन इज फॉर यू। तो फाइनली पठान मूवी आ चुकी है एंड यार मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अगर तुम लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो ये चीज तुम्हें पहले से ही पता होगी, या फिर अगर तुम लोगों ने मेरा लेटेस्ट शॉर्ट्स देखा है तो तुम्हें ये चीज पता होगी। एंड सच में आज का जो रिव्यू है वो बायस्ड होने वाला है, लेकिन ये चीज तो मैं तुम्हें अश्योर कर देता हूँ कि ये मूवी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है एंड तुम्हें जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराने का प्रॉमिस इसके टीजर एंड ट्रेलर ने किया था उसको ये कम्प्लीटली डिलीवर करती है एंड मूवी फुल ऑन एंटरटेनिंग है। लाइक तुम लोग कहीं पर भी बोर नहीं होगे, एक्शन भर भर के मिलेगा, एंटरटेनमेंट फुल ऑन मिलेगा एंड जिस चीज को हम लोग काफी टाइम से हिंदी सिनेमा में मिस कर रहे थे वो चीज हमें प्रॉपर सर्व की गई है एंड देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की तो हर किसी का काम फिल्म में काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेशली दीपिका पादुकोण एंड जॉन अब्राहम का काम बहुत ज्यादा अमेजिंग है एंड ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि जॉन के कैरेक्टर को एक डेप्थ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, उसे काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाया गया है बट साथ ही उसकी मोटिवेशंस भी क्लियर कर दिए गए हैं एंड साथ ही यार ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड एसआरके को बहुत ही आराम से हरा सकता है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड अब अगर हम लोग बात करें किंग की, सो यार एज ऑलवेज उनका काम फिल्म में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक वो अपने कैरेक्टर में कम्प्लीटली परफेक्ट लग रहे हैं एंड जितना मजा उन्होंने दिया है उसके बारे में तो बस क्या ही कहूं। एंड जिस कैमियो को तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब वो आएगा तो तुम्हारी सीटियां तालियां बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। लाइक इतना ज्यादा फैंटास्टिक वो है एंड मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये कैमियो सच में बहुत ज्यादा फाड़ है। तो हाँ यार, जो सारी चीजें मैंने पठान से एक्सपेक्ट करी थी उन सभी चीजों पे ये फिल्म परफेक्टली खरी उतरती है। सो यस, पठान इज अ क्लियर विन एंड इट्स अ कंप्लीट ब्लॉकबस्टर। बट हाँ यार, अभी भी काफी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फिल्म का बॉयकॉट किया जा रहा है। इवन जिस थिएटर में मैंने फिल्म को देखा वहां पे भी इसे बॉयकॉट किया गया था। लाइक एक ग्रुप के लोग आए थे एंड उन्होंने फिल्म को बॉयकॉट किया, पुलिस भी आ गई थी, काफी बड़ा सीन हो गया था, बट फिर भी मैंने फिल्म को देखा एंड यार ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ऐसा हो रहा है। एंड उन लोगों के लिए मैं बस एक ही चीज कहूंगा, फक यू। तो हाँ यार, ओवरऑल पठान एक काफी ज्यादा अच्छी फिल्म है, काफी एंटरटेनिंग फिल्म है एंड तुम्हें इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो यस, मुझे फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी एंड अब मैं एक्साइटेड हूँ जवान के लिए एंड साथ ही यार जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की अलग इंस्टॉलमेंट्स आने वाली हैं उनके लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हाँ, अगर तुमने अभी तक पठान नहीं देखी है देन इट्स अ मस्ट वॉच एंड अगर देख ली है तुम्हें कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट्स में बता देना। सो यस, दैट्स इट एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। पीस। जय हिंद।